एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बिलारी में स्थित मुड़िया खेड़ा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 25 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी व 1350 वोटरों द्वारा मुन्नी देवी को अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 340 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप भी लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 18 सोलर लाइट भी लगाई गई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 आवासों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, बारात घर, कर्मशाला, शमशान घाट की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारा ग्राम पंचायत मुड़िया खेड़ा है और ब्लॉक आंसर बिलारी ब्लॉक है हमारा और जिला संभल लगता है। हमें बहुत बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम ये है कि जो है ये ब्लॉक जो मतलब ऐसा बिलारी और जिला संभल और मकान भी जो मतलब कच्चे बन चुके हैं और कच्ची हमारे यहाँ जो है कच्चे लोग जो है 40-45 लोग जो मतलब ऐसा है मकान को रह गए हैं जो है बनम को और हमने बाउंड्री वागो स्कूल को भी काम कराया है। हमने शौचालय वगैरह और बाकी जो मतलब और भी करा रहे हैं। सूर्या भी लाइट लगाई और जो है सड़क भी जो मतलब 4-5 डलवाई और हमारे यहाँ शमशान की जो है कर्मशाला जो अंतर नहीं बनी है अभी बॉन्डी हमारे यहाँ शमशान की नहीं बनी है अभी तो हमारे जो है ये दिक्कत जो है आंसर जो बिलारी लागत है या तो हमारे बनिया ठेर ब्लॉक में शिफ्ट करे जाए जैसे बनिया खेड़ा में जैसे हमें थोड़ी सी रियायत मिले और हमारा काम सही चले। हमारे शौचालय के जो निर्माण है अभी तक कोई शौचालय नहीं आए हैं और नहीं हमारे यहाँ पैसा आया है नहीं जो है कोई काम की समस्या जो मतलब सही नहीं है। पंचायत घर झज्जड़ पर आया है और एक बिल्डिंग और सरकारी है गोभी और अस्पताल झज्जड़ हैं सब इनकी जो मतलब मरम्मत भी हो। मैं प्रधानपति बोल रहा हूँ मुड़िया खेड़ा। राज्य सरकार केंद्र सरकार से तुम्हारी गांव के लिए क्या क्या चीज़ चाहते हो, क्या डिमांड है आपकी? हमारे जो है राज्य सरकार से हमारे जो है शमशान में बाउंड्री है जाए और जो है हमने जो बोले हैं मैं जो है सरकारी बिल्डिंग जो साहब की मरम्मत है जाए और कर्मशाला हमारे यहाँ बन जाए और स्कूल की हमारी बाउंड्री आ जाए। मैं मुड़िया खेड़ा से ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से श्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से कि ग्राम पंचायत मुड़िया खेड़ा में अभी कोई शौचालय नहीं बना है और सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे गांव में शौचालय क्योंकि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं, अधिकतर बीमारियां फैलती हैं। सबसे पहले हमारे गांव में शौचालय का निर्माण कराया जाए, गंदगी भी ज़्यादा है। उसके उपरांत में जो भी काम कराए हैं ग्राम पंचायत प्रधान जी ने वो काम सही तरीका से हो रहे हैं फिर भी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा शौचालयों की डिमांड है क्योंकि शौचालय हो जाए तो गांव में सफाई अच्छी होगी। और एक बात और भी है क्योंकि हमारे गांव में अभी कर्मशाला का निर्माण होना चाहिए, कर्मशाला जो है जरूर बननी चाहिए। हमारे यहाँ जो परेशानी ज़्यादा है कर्मशाला नहीं है, मेघ बूंद आती है तो लास्ट को लिए गाँव में बैठे थे दिन लेके